नाउ वी स्टार्ट द योर क्लास। आज अपन अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आज अपना लेक्चर नंबर 17। कल अपन ने सुपरपोजिशन थ्योरम को किस तरह सिंप्लीफाई करना है, किस तरह से सोल्व करते हैं, उसका स्टेप स्टेटमेंट और प्रोसीजर अपन ने कल समझ दिया था। नाउ टुडे इज बी डब्ल्यू लेक्चर नंबर 17, न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा आज अपन बेस्ड ऑन सुपर पोजिशन थ्योरम। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सुपर पोजिशन थ्योरम। एक मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वे में, पहले समझना है पूरे को, बड़ा सिंपल है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 12 ओम, 4 ओम, 32 वोल्ट, 6 ओम, 4 एम्पियर, 9 ओम। क्या आपका सर्किट डायग्राम है, क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल? बोल रहा है फाइंड द पावर लॉस थ्रू 9 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग, फाइंड द पावर लॉस थ्रू द 9 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम। बाय यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम, फाइंड द पावर लॉस थ्रू द 9 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग द सुपर पोजिशन थ्योरम। अब इसको अपन को अप्लाई करना है। तो कल का अगर अपन को माइंड में हो तो आपको ये पता है कि कल अपन ने क्या बोला था, मैंने अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन थ्योरम द टोटल करंट या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स एंड वोल्टेज ड्रॉप बाय टेकिंग इंडिविजुअल एक्टिव एलिमेंट्स, एक्टिव इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स को आपको इंडिविजुअल कंसिडर करना है। मतलब वन बाय वन आपको एक एक इंडिपेंडेंट सोर्स को कंसिडर करना है एंड देन उसको सोल्व करना है। तो अगर अपन इस न्यूमेरिकल की बात करें तो फर्स्ट वन, आपको यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट सोर्सेस विजिबल हैं, इंडिपेंडेंट एक्टिव सोर्स कितने विजिबल हैं? टू सर। टू। तो यहाँ पे आपको टू स्टेप्स लगानी है। फर्स्ट वन, आपको एक तो वोल्टेज सोर्स दे रखा है, करंट सोर्स पूछा क्या है, पावर। पावर क्या होता है, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आप सुपर पोजिशन थ्योरम से डायरेक्ट पावर कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको पहले टोटल करंट कैलकुलेट करना है फिर आपको आई स्क्वायर आर लगाऊंगा। तो देखो सबसे पहले अपन कहते हैं सोल्यूशन में स्टेप फर्स्ट, कंसिडर आप किसी को भी कर सकते हो, चाहे वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करो चाहे करंट सोर्स को। मैं स्टेप वन लगा रहा हूँ, कंसिडर 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, कंसिडर किया 32 का वोल्टेज सोर्स एंड रिप्लेस कंसिडर 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एंड रिप्लेस 4 एम्पियर करंट सोर्स टू ओपन सर्किट, और रिप्लेस कर दिया हमने करंट सोर्स को ओपन सर्किट। नाउ द सर्किट डायग्राम बिकम्स ट्वेल्व ओम रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर, 32 वोल्टेज सोर्स सिक्स ओम रजिस्टर, करंट सोर्स बिकम्स ओपन सर्किट, नाइन ओम रजिस्टर। अब हमें इस वाले केस में जो यहां से करंट ऑब्टेन फ्लो होगा वो कितना फ्लो होगा, अपन अज्यूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे आपके पास कोई आई करंट फ्लो कर रहा है या आई डैश फ्लो कर रहा है,
दिस करंट इज आई डैश। नाउ ओपन सर्किट हो गया मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी वायर नहीं है, सिंपल है। मतलब 6 और 9 आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मुझे आई डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपके पास हैं, बट मेरे को सिंगल एक मेथड दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे नोडल अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको जब नोडल पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि बेटा नोडल को बहुत आराम से देखना है, क्योंकि नोडल ऐसा है कि हर जगह यूज आएगा। तो देखो सुपर पोजिशन थ्योरम में अगर मैं यहाँ पे नोडल कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मुझे 2 तो मेज दिख रहे हैं, सिंगल एक नोड इक्वेशन दिख रही है, 2 मेज इक्वेशन से करेंगे या फिर सिंपल जो आपका नॉर्मल मेथड होता है वो करेंगे। तो यदि मैं इसमें नोडल अप्लाई करता हूँ, हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स आर देयर, 2 नोड्स आर देयर, रेफरेंस नोड एंड दिस इज माय मेन नोड एंड दिस वैल्यू इज डी ए। ओके नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट्स क्या हो जाएंगे, ये करंट तो आपका यहाँ से निकल जाएगा I1, ये करंट हो जाएगा आपका I2 और ये करंट हो जाएगा आपका I3, I1, I2 एंड I3। नाउ बाय कंसीडर बाय द अप्लाई द नोडल एट नोड ए, अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड ए। यदि मैंने नोड ए पे किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज I1? I1 इज द VA अपॉन VA माइनस 0/12 What is I2? VA minus 32 upon 4. What is I3? VA minus 0 upon 15 equals to 0. LCM कितना जाएगा, 60। तो ये हो जाएगा आपका 4 VA, ये हो जाएगा आपका 15 VA माइनस 480 1564 VA सॉरी 5 PA। इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा आपका, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 4 24 VA इक्वल्स टू 480। तो आपके पास यहाँ से VA की वैल्यू कितनी ऑप्टेन हो जाएगी बेटा, 20 वोल्ट। जैसे ही आपके पास बेटा VA की वैल्यू ऑप्टेन होगी, VA की वैल्यू कैलकुलेट करते ही करंट जो 9 ओम से फ्लो कर रहा है वो ये कर रहा है, ऐसे जा रहा है। मतलब 9 ओम और 6 ओम आपस में सीरीज में है, 9 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज में होने के कारण टोटल करंट जो हमारे पास 9 ओम से आएगा वो कितना जाएगा, 100। करंट थ्रू द 9 ओम रजिस्टर, सो करंट थ्रू द 9 ओम रजिस्टर, नाउ द करंट थ्रू द 9 ओम रजिस्टर कितना हो जाएगा बेटा, आई डैश इक्वल्स टू VA अपॉन 9 प्लस 60 15। व्हाट इज VA, 20 अपॉन 15, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा 5 3 जा 4/3 एम्पियर इक्वेशन फर्स्ट। आपके पास आई डैश की वैल्यू आ जाएगी इन द स्टेप फर्स्ट। समझो दोबारा से इसको एक बार, ये आपका न्यूमेरिकल है, फाइंड द पावर लॉस थ्रू द 9 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। हमने सबसे पहले कंसीडर किया 32 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, एंड व्हेन वी अप्लाई द 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया तो 4 एम्पीयर करंट सोर्स को क्या कर दिया हमने, ओपन सर्किट। जब हमने इसको ओपन सर्किट किया 4 एम्पीयर के करंट सोर्स को, तो हमारे पास एक सर्किट ऑब्टेंड हो गया, वो आपको विजिबल है। इस पर लगा दिया मैंने नोडल और करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन अपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। क्लियर है, तो पावर सिस्टम आ रही है क्या, गलत
अरे बेटा पावर मैंने आपको कहा था, आपको इस तरह से पावर कैलकुलेट ही नहीं करनी गुड़िया भाई। क्यों? क्योंकि आपको पावर सुपर पोजिशन थ्योरम में कल मैंने लिमिटेशन बताई थी कि बाय यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम वी कैन नॉट बी ऑब्टेन पावर। तो आप सुपर पोजिशन थ्योरम के स्टेप से आप ओनली वोल्टेज और करंट ही कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको लास्ट में टोटल करंट कैलकुलेट करके फिर आपको पावर ऑब्टेन करना है। क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। ओके, अब अपन आ जाते हैं स्टेप टू पे। स्टेप टू पर मूव करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं था? चलो अपन स्टेप टू पे आते हैं। हाँ जी, स्टेप टू की अगर मैं बात करें तो क्या करेंगे? स्टेप टू में हम कंसीडर करेंगे कंसीडर द करंट सोर्स और ओपन सोर्स वोल्टेज को वोल्टेज सोर्स कर देंगे जीरो। तो स्टेप टू कंसीडर फोर एम्पियर करंट सोर्स एंड रिप्लेस वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट। और रिप्लेस वोल्टेज सोर्स टू शॉर्ट सर्किट और वोल्टेज सोर्स को ओपन कर देंगे शॉर्ट सर्किट। तो आपका सर्किट डायग्राम क्या बन जाएगा? नाउ यू ऑब्टेन द सर्किट डायग्राम लाइक दिस। 12 ओम रेजिस्टर यहाँ पे आपका विजिबल है। आफ्टर देन 4 ओम रेजिस्टर है। फोर ओम के सीरीज में आपका 32 वोल्टेज सोर्स था जो हो गया शॉर्ट सर्किट, बिकम शॉर्ट सर्किटेड। 6 ओम रेजिस्टर, नाउ देयर इज द 4 एम्पियर करंट सोर्स आफ्टर देन 9 ओम रेजिस्टर। अब आपका स्टेप टू का डायग्राम बन जाएगा इस तरह से। और यहाँ से मुझे करंट ऑब्टेन करना है आई से। मैं जूम कर लेता हूँ, वहाँ पे आई डैश लिया था, यहाँ पे मैं आई डबल डैश ले लेता हूँ। ये करंट मुझे कैलकुलेट करना है 9 ओम से कितना फ्लो करेगा। अब क्या करें? यहाँ पे अगर मैं नोडल लगाता हूँ तो 2 नोड बनेगी, मेश करें तो 3 मेश बनेगी। बट सिंपल मेथड भी अगर अपन अप्लाई करें या मैं सोच रहा हूँ तो क्या हो सकता है? यहाँ देखो कि ये जो 12 ओम और 4 ओम रजिस्टर है आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल है। इन दोनों के अपन यहाँ ले सकते हैं हेयर 12 ओम इन पैरेलल विद द 4 ओम रजिस्टर। जरूरी नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करें, आप अपने हिसाब से भी अगर कोई भी मेथड आप लगाना चाहो लगा सकते हो। हेयर 4 ओम एंड 12 ओम रजिस्टर इन पैरेलल, तो आपका यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना ऑप्टेंट होगा? आर इक्विवेलेंट डैश इक्वल्स टू आर वन मल्टीप्लाई आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। वॉट इज आर वन? 12 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 12 प्लस आर इक्विवेलेंट डैश की लिखती जाएगी आपके पास 3 ओम। नाउ यू ऑप्टेन द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट डैश 3 ओम। सॉरी, इसमें आंसर थोड़ी ना ये जो अपन ये लगा रहे हैं। आर इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू आ गई 3 ओम। तो आपका सर्किट डायग्राम कैसे रिप्लेस हो जाएगा? आपका सर्किट जो डायग्राम है इज रिप्लेस लाइक दिस। सिक्स ओम फोर एम्पियर करंट सोर्स This is my 9 ohm and R equivalent dash becomes 3 ohm. 6 and 3 are in series. 6 and 3 are in series. And 6 and 3 अगर सीरीज में कनेक्ट है तो ये डायग्राम वापस कैसे रिप्लेस हो जाएगा?
4 एम्पियर नाइन ओम एंड देयर इज अगेन नाइन ओम. वो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है करंट इस नाइन ओम से आई डबल ए. अब ये तो बेटा इस न्यूमेरिकल में प्रोर आ गया कि आपके पास दोनों इक्वल है, इधर भी नाइन है इधर भी नाइन है, बट अगर ऐसा ना हो तब क्या करेंगे. अभी तो मुझे डायरेक्ट विजिबल है कि भैया यहाँ पे भी नाइन ओम है यहाँ पर भी नाइन ओम है, मीन्स टोटल करंट टू इक्वल पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, टू एम्पियर यहाँ चला जाएगा टू एम्पियर यहाँ. बट अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लो यहाँ पे नाइन ओम तो है बट इस साइड नाइन ओम ना आकर होकर कुछ अलग वैल्यू होती, एट होता सेवन होता टेन होता ट्वेल्व होता, तब आप यहाँ लगाते करंट डिविजन रूल, करंट डिविजन रूल आप अप्लाई करते. तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं करंट डिविजन रूल के अकॉर्डिंग, अगर मैं अज्यूम करता हूं तो बाय यूजिंग द करंट डिविजन रूल, अगर याद करो जो अपन ने करंट डिविजन रूल सीखा था या पढ़ा था, क्या बोलता है करंट डिविजन रूल. करंट डिविजन रूल को याद करो, करंट डिविजन रूल बताया था इफ द टू रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, पुरानी क्लासेस में मैंने करवा रखा है, ये आर वन है यहाँ पे आर टू है, यहाँ से करंट आपका आई वन फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट आपका आई टू फ्लो कर रहा है और टोटल करंट आपका आई है. उस केस में जिस रेजिस्टेंस से आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, मींस अगर मुझे आर वन से करंट की वैल्यू फाइंड करनी है जो आई वन है, तो क्या लिखते थे, अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल करंट, मल्टीप्लाई टोटल करंट, ये होता था करंट डिविजन रूल. इसी अकॉर्डिंग अगर मुझे बात करना है कि मुझे आई डबल डैश कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है आई डबल डैश, तो आई डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय करंट डिविजन रूल सर 100 वाट आ रहा है क्या, आई डबल डैश इक्वल्स टू बाय द, यस सर 100 वॉट आ रहा आंसर बेटा बाय द करंट डिविजन रूल, आई डबल डैश इक्वल्स टू अपोजिट रेजिस्टेंस. अब जिससे मुझे फाइंड करना है उसके अपोजिट में भी तो 9 ही है, तो अपन 9 ही रखेंगे, अपॉन टोटल 9 प्लस 9 इंटू टोटल 4, तो आपके पास करंट कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया. अब अगर आपके पास यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है तो वापस देखो सर्किट डायग्राम को जो अभी तक हमने किया है, यही आपका न्यूमेरिकल दे रखा था जो बोल रहा है फाइंड द पावर लॉस. आपने स्टेप वन लगाया, कंसीडर किया 32 वोल्टेज सोर्स को, देन आपने स्टेप टू अप्लाई किया, कंसीडर किया 4 एम्पियर करंट सोर्स को. व्हेन वी अप्लाई द 30 कंसीडर किया 32 वोल्टेज सोर्स एंड देन द 4 एम्पियर करंट सोर्स, देन वी ऑपरेट सेपरेटली आई डैश की वैल्यू व्हिच ऑब्टेन 4/3 एम्पियर एंड द सेकंड केस वी ऑब्टेन द करंट इज 2 एम्पियर. नाउ टोटल करंट कितना आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को ऐड कर देंगे 10/3. नाउ नाउ टोटल करंट थ्रू द 9 ओम रेजिस्टर टोटल करंट थ्रू द 9 ओम रेजिस्टर I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका I डैश प्लस I डबल डैश दैट इज 4/3 + 2 मतलब आपके पास I की वैल्यू हो जाएगी 10/3 एम्पियर. अब आपके पास टोटल करंट आ गया, नाउ पावर लॉस आ जाएगा, नाउ पावर लॉस P इक्वल्स टू I स्क्वायर आर. व्हाट इज आई,
I is the 10 by 3, I square, R. What is R? 9. तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास डायरेक्ट पावर आ जाएगा 100 वॉट आंसर. वी ऑब्टेन्ड फाइनल आंसर 100 वॉट. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो. हेलो, देखो मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरे न्यूमेरिकल को. आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास जो भी न्यूमेरिकल गिवन है उसमें कितने आपके पास सोर्सेस अवेलेबल हैं. प्लीज म्यूट. आपने यहाँ देखा आपके पास टोटल 2 सोर्सेस अवेलेबल हैं. 32 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स है, 4 एम्पियर का करंट सोर्स है. फिर आपको क्या करना है, वन बाय वन ईच वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को कंसिडर करना है. हमने पहले कंसिडर किया वोल्टेज सोर्स को, तो करंट सोर्स को कर दिया ओपन सर्किट. फिर एक सिंगल नोड था, अपने नोडल लगाया, करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया. बेटा मैं ना सबको म्यूट कर दूंगा परमानेंट, डाउट पूछ ही नहीं पाओगे. चांदनी राज, फिर सेकंड केस में हमने क्या किया, करंट सोर्स को कंसीडर किया. अब देखो जब करंट सोर्स को कंसीडर किया तो बेटा आप ये देखो कि 32 वोल्टेज का जो सोर्स है वो 4 एम्पियर की सीरीज में लग रहा है, 4 एम्पियर की सीरीज में है. तो मैंने 4 एम्पियर रेजिस्टेंस ले किया और करंट वोल्टेज को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट. अब यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि 12 ओम का जो रजिस्टर है और 4 ओम का जो रजिस्टर है वो आपस में क्या है, पैरेलल है. तो इफ द टू रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, तो हमने दोनों का क्या कर दिया, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस ऑब्टेन कर लिया. एंड आर इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 3 ओम. यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी. फिर ऑब्जर्व किया कि 6 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, टोटल कितना आ गया, 9. By using the current division rule, आपने क्या किया, जिस करंट जिस रेजिस्टेंस से आपको करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तरुण वीडियो ऑफ, जिस रेजिस्टेंस से आपको करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस लिया, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लिया, मल्टीप्लाई टोटल करंट लिया, और बाय यूजिंग द करंट डिविजन रूल आपने बेटा करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया अनदर रेजिस्टेंस से. देन फर्स्ट स्टेप में आपने करंट की वैल्यू ऑब्टेन करा, सेकंड स्टेप में आपने करंट की वैल्यू को ऑब्टेन करा, दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड. आफ्टर ऐड आपके पास टोटल करंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 10 बाय 3 एम्पीयर. एंड देन वी ऑब्टेन द पावर लॉस पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड ऑब्टेन देन. अब यदि अज्यूम करो आपके न्यूमेरिकल में 2 सोर्सेस ना होकर 3 सोर्सेस होते, इफ इन दिस न्यूमेरिकल टोटल 3 सोर्सेस आर देयर, तब क्या करते, तो आपको 1 by 1 ईच सोर्स को कंसिडर करना है. मीन्स टोटल आपको 3 स्टेप्स यूज करनी है, फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड. बस वोल्टेज सोर्स को लिया, फिर करंट सोर्स को लिया, फिर अगर देख लो करंट सोर्स है वोल्टेज सोर्स है उसको लेना है. ऐसे नहीं करना है कि 2 वोल्टेज सोर्स है, दोनों वोल्टेज सोर्स को एक साथ कंसिडर कर लिया, ऐसा नहीं होगा. 1 by 1 एक को बाई 1 by 1 यूज में लेना है, देन उनको सोल्व करना है और आपको आपका आंसर कैलकुलेट करना है. क्लियर है, और कोई डाउट? हेलो. हाँ बेटा. सर ये स्टेप 1 में VA की वैल्यू निकालने के बाद से दोबारा बता दें. बेटा VA की वैल्यू कैलकुलेट करी. हाँ उसके आगे. अब आपको मैंने नोडल बताया कि नोडल में क्या बोलता है, अब आपको चाहिए करंट 9 ओम से. अब यहाँ दिख रहा है कि 9 ओम से कौन सा करंट फ्लो करेगा, जो I3 है. यस 6 और 3 आर इन द सीरीज, और यदि 6 ओम और 3 ओम अगर सीरीज में कनेक्ट है, 6 ओम और 6 ओम रजिस्टर है 9 ओम रजिस्टर यदि आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो रहे हैं दोनों, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इस ब्रांच में करंट की वैल्यू. वोल्टेज, व्हाट इज करंट, करंट इज द वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस. वोल्टेज कितना है, VA माइनस 0 अपॉन करंट. रजिस्टेंस कितना है, 15. 6 प्लस 9 15 है ना. यस सर. हो गया, और कोई डाउट? चलो फिर क्लास एंड करते हैं. सर. हाँ बेटा. सर I1 का मान निकालने के लिए हम बाय में 15 क्यों लिए हैं? 15 क्यों लिया है बेटा, एक बार बताओ.
यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि ये ओपन सर्किट है, अगर ये अपना बेटा ओपन सर्किट है तो यहाँ पे कोई वायर है क्या? कोई वायर नहीं है, मतलब ये 9 ओम और 6 ओम कैसे हैं? सीरीज में है ना, और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? ऐड होता है, तो 9 प्लस 6 कितना हुआ? 15 हुआ ना। अब क्यों लिया? क्योंकि भैया जो वायर करंट फ्लो करेगा किसी रेजिस्टेंस वायर से करंट फ्लो करेगा तो वो पूरा सेम फ्लो करेगा, और सेम करंट फ्लो करेगा तो उसका उस वायर का टोटल रेजिस्टेंस बात करेंगे ना, तो यहाँ पे 9 और 6 आपस में सीरीज में हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं, तो मैं बोल देता हूँ कि भैया यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, तो आप क्या करते हैं? वी अपॉन आर इक्विवेलेंट करते हैं ना, भाई जितना यहाँ करंट फ्लो करेगा उतना यहाँ करेगा, उतना यहाँ करेगा, तो करंट कैसे निकालते हैं? करंट तो अपन आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट करते हैं ना। क्लियर है? हेलो, यस, और बोलो डाउट? यस सर। चलो फिर अब क्लास अपन ओवर करते हैं। थैंक यू सर।